ऑल एग्जाम्पल्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, और वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप पटवारी बन सकते हैं केवल 40 दिन पढ़ के, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 40 ही दिन हैं। तो कैसे आप 40 दिन में एकदम सटीक तैयारी के साथ पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पटवारी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको बता दूँ क्या क्या सेक्शन आने हैं इसमें। ठीक है, तो 5 सेक्शन हैं इसमें जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। पहला है हिंदी, उसके बाद पंचायती राज, और साथ में इसके रूरल इकोनॉमी, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग, और लास्ट सेक्शन है जर्नल स्टडी और जर्नल अवेयरनेस का। ठीक है, तो कुल मिला के 5 सेक्शन रहेंगे। अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सेक्शन रहेंगे वो 18 से 25 मार्क्स के बीच में एक सेक्शन लाया करेगा, क्योंकि उसमें बोला नहीं गया है कि एक सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा या रहेगा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 से 25 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो कुल मिला के जर्नल की अगर बात की जाए, कट ऑफ जो रहेगा 75+ मान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम से कम। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है कम से कम लाना। ठीक है, अब कैसे आएंगे, कहाँ पे आपको कहाँ मेहनत करनी है, कैसे पढ़ना है, वो अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपका कुछ छूटे ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, देखिए हिंदी काफ़ी इजी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ग्रामर हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इसमें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि सिलेबस में क्या क्या है। अब देखिए, कम से कम आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं हिंदी, तो 15 से 18 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इसमें ला सकते हैं। बुक कौन सी प्रेफर करनी है इसमें वो देखते हैं हम। बुक मैंने बताई थी आपको, अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं और लूशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सटीक करना है तो आप SI का, पिछले साल का और इस साल का, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, क्या लगा लें, ओल्ड पेपर को सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आप मान सकते हैं उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन अगर रिपीट भी होते हैं तो आपके 5 से 6 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। आपको लाने हैं कम से कम 15 से 18 मार्क्स के बीच में, और आप ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से अरिहंत पढ़ ली। कितने दिन पढ़ना है, देखिए हिंदी का सिलेबस ज़्यादा है तो आप डेली कम से कम 1 घंटा पढ़िए, आपके पास 40 घंटे रहेंगे, आप 40 घंटे में हिंदी ख़त्म कर सकते हैं आराम से पूरी कंप्लीट। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। अब देखिए मैथ्स तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, अनुमान लगाया जा सकता है। मैं खुद मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ तो SSC लेवल का आपको पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल कम रहेगा लेकिन सिलेबस तो पूरा कवर करना है। तो आपका जो नॉर्मल सिलेबस रहता है वो 70 से 90 दिन चलता है अगर हायर मैथमेटिक्स जोड़ दी जाए, लेकिन आपके पास है केवल 40 दिन, तो आप कम से कम 2 घंटे डेली मैथ्स पढ़िए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर पेपर व्यापम का है तो आप व्यापम पे फोकस कीजिए, दूसरे का है तो दूसरे पे फोकस कीजिए। अब देखिए व्यापम का पेपर है तो आप जो व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो SI के हों, चाहे वो कांस्टेबल के हों, चाहे कोई और एग्ज़ाम के हों, लेकिन वो किसके हों, व्यापम के हों, तो उसको ही केवल सॉल्व कीजिए, केवल उसको ही सॉल्व करना है आपको। उसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन ना तो SSC का, ना तो बैंक PO का, ना तो बैंक क्लर्क का सॉल्व करना है, केवल और केवल व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट की बात रही तो कॉन्सेप्ट के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो भी देख सकते हैं, तो दोनों पे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका मैथ्स हो गया। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए इसी में, तो रीजनिंग देखिए इजी रहती है, आप नहीं भी पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा बस ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे बिना पढ़े हुए। तो आप इस सेक्शन में कम से कम 18 से 20 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने पूरी मैथ्स पढ़ ली है तो कहीं आपके नहीं जाएंगे 18 मार्क्स। ठीक है, 20 भी आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी रहता है तो आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद बात की जाती है कंप्यूटर सेक्शन की। अब कंप्यूटर कैसे पढ़ना है,
कंप्यूटर के लिए सबसे पहले लूशन की कंप्यूटर की बुक आती है पतली सी, उसको रट दीजिए बिल्कुल जितना आप रट सकते हैं। हो सकता है आप 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, ठीक है। डेली आधा घंटा 30 मिनट कम से कम पढ़िए कंप्यूटर, डेली 30 मिनट पढ़िए, तो आपके पास 20 घंटे हो जाएंगे 40 दिन में। तो 20 घंटे में आप आराम से एक बुक पतली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में संभावना ये है कि करंट अफेयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे बेस क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मैंने कहा भीम ऐप क्या है, कब इसका लॉन्च हुआ, इसकी वर्किंग क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। इसरो ने कौन से वो लॉन्च किए, कंप्यूटर से रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर पूछ सकता है। तो मान कीजिए चलिए स्टेटिक पार्ट अगर देखा जाए इसका, तो स्टेटिक में आप 15 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप बैंक PO लेवल का कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा इसका आएगा नहीं, तो आप यहाँ से करिए। बचा 5 मार्क्स की बात, तो 5 मार्क्स हो सकता है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो टेक्नोलॉजी से, तो आपको वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अवेयर रहना पड़ेगा। चलिए अब ये 3 सेक्शन की बात हो गई, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। चलिए अब बात करते हैं, हमारी हिंदी के बारे में बात हो गई, कंप्यूटर के बारे में बात हो गई, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात हो गई। बात करते हैं हम पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो पंचायती राज कैसे पढ़ना है, अब देखिए अगर आपके पास लूशेंट है तो उसमें 1 से 1.5 पेज दिया हुआ है पंचायती राज के ऊपर, वो पहले पढ़िए। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, यानी नागरिक शास्त्र की लक्ष्मीकांत आती है, उसमें 30 से 40 पेज दिया हुआ है, वो पढ़िए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। रही बात रूरल इकोनॉमी की, रूरल इकोनॉमी के लिए आप 11वीं या 12वीं की NCERT पढ़ लीजिए। उसमें कौन सा चैप्टर जिसमें रूरल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, वो चैप्टर पढ़ लीजिए, 30 से 40 पेज है अनुमान, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। साथ में इकोनॉमी का बेसिक पढ़ लीजिएगा कि इकोनॉमी कैसे होती है, इकोनॉमी के पिलर क्या होते हैं, ये तो ये आपको लूशेंट में मिल जाएंगे पढ़ने को। अब बात की जाए आप कितना इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। अब देखिए पंचायती राज और रूरल इकोनॉमी ऐसा है, ये जो है स्टेटिक पार्ट है, कभी चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक पार्ट है तो इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो कभी चेंज नहीं हो सकते, नए नहीं हो सकते, जो पहले हैं वही होंगे। तो आप इसमें 15 से 18 मार्क्स अनुमान है कि आप स्कोर कर पाएंगे इजीली, अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो। इसमें एक चीज़ ये है, रूरल इकोनॉमी पे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो करंट अफेयर पे हो सकते हैं। जैसे कोई योजना जो चली है रूरल इकोनॉमी पे, ग्रामीण से जुड़ी योजना है, जैसे बिजली उज्ज्वल योजना हो गई, तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रामीण लोगों के उद्धार के लिए चली है, तो आपको हो सकता है इस पे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ग्रामीण योजना से। तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़ा सा ग्रामीण से जो योजना है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, वो एक बार आपको देखना होगा, ठीक है। तो उससे आपका जो चांस होगा 15 से 18 से, वो 18 से 20 बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है वो करंट अफेयर बेस्ड दे दे। तो आप यहाँ पे भी आराम से 15 से 18, और अगर आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कवर कर लिए तो 18 से 20 आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं हम अब बचता है हमारा जर्नल स्टडी और जर्नल अवेयरनेस। अब देखिए जर्नल स्टडी के अंदर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, MP और पॉलिटी पढ़नी होगी, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साइंस पढ़ना होगा। तो वो देखते हैं कैसे करना है आपको, तो ये सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी लूशन रटने को बैठ जाएं, ठीक है, तो उससे बेटर है लूशन की ऑब्जेक्टिव आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या करें आप एकदम रट जाएं, घोट के पी लें, ठीक है, एकदम रट लें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन वो उठा के यहाँ पे आपको देगा। अब इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, तो करंट अफेयर के अगर मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन भी होते हैं, फिर भी आपके पास 15 मार्क्स हैं स्टैटिक पार्ट के लिए। तो स्टैटिक पार्ट में केवल आप क्या करें, व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की बात की जाए मतलब SI से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्स्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने व्यापम ने कंडक्ट करवाए हैं वो पूरे अच्छे से याद कर लें। उसके बाद मैंने बताया लूशन की ऑब्जेक्टिव आती है
जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, वो रट लें, ना कि आप पूरा बेसिक से पढ़ें। इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक से पढ़ें, तो डेली कम से कम 1 घंटा ये पढ़ें। और ये सेक्शन ऐसा है जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। हो सकता है आप इसमें 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आराम से ले आएं, हो सकता है आप 9 भी ना ला पाएं, क्योंकि डिपेंड करता है वो कैसा दे रहा है। तो करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर में जो फोकस रहेगा आपका, एमपी का जीके पहले रहेगा, करंट अफेयर पहले रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपके आ सकते हैं भारत सरकार से जुड़ी जो योजना है वो पढ़नी होंगी, मध्य प्रदेश सरकार से जो योजनाएं बनाई गई हैं जो अभी लेटेस्ट में है, ट्रेंड पे है, वो पढ़नी होगी। तो यहाँ से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। अब हम आगे की देखते हैं कैसे दिन में आपको कैसे टाइम निकालना है, कैसे पढ़ना है, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो बात करते हैं आपके डेली शेड्यूल की, ठीक है। डेली आपको कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। 5 सेक्शन है आपको डेली पढ़ने हैं। अभी हमने बात की कौन कौन से पढ़ने हैं, पंचायती राज, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और जीएस। जीएस मैंने बताया आप लूशन से पढ़िए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले से, इसको रट दीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से आप कम से कम 10 से 15 मार्क्स के बीच स्कोर कर सकते हैं स्टेटिक पार्ट से। करंट अफेयर की बात की जाए तो 3 से 5 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं आप करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, या तो एमपी की वेबसाइट पे चले जाएं, उसमें योजनाएं मिल जाएंगी, और भारत सरकार की पीआईबी है उस पर चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। घटना चक्र नहीं भी फॉलो करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एमपी की वेबसाइट पे जो योजनाएं डालती हैं वो, और पीआईबी की वेबसाइट पे वो, और मैं भी आपको हो सकता है करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूँ लास्ट के 10 दिन अच्छे से, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में। हिंदी आप अरिहंत पढ़िए, लूशन पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए एमपीएसआई के, और जो जिसमें हिंदी आई है, यहाँ पे आप आराम से 17 से 20 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब पे भी हिंदी की सीरीज चालू की है, आप वो भी देख सकते हैं। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर के लिए आर्यन या लूशन की कोई एक बुक फॉलो कर लें, बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फॉलो कर लें, व्यापम के क्वेश्चन फॉलो कर लें। उसके बाद आपके पास अगर मटेरियल नहीं है, आपके पास बुक भी नहीं है, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है, वो मुझे ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उनको मटेरियल सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग की बात कीजिए तो मैथ्स में आपको कम से कम डेली 2 घंटे देने हैं ताकि आपका 80 दिन हो जाए, तो 80 दिन में आप मैथ्स कवर कर पाएंगे। हायर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं उसके वीडियो अपलोड करूंगा। मेंसुरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाए। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में इतना कुछ है नहीं, आपको बस बेसिक बेसिक अगर आता है तो आप रीजनिंग में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है और टॉपिक कवर करना पड़ेगा पूरा, तो आपको कम से कम 2 घंटे डेली यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है। कंप्यूटर आप डेली 30 मिनट पढ़ें, हिंदी आप डेली 1 घंटे पढ़ें, कम से कम 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। जीएस आप 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ें, जो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, 2 घंटे मान के चलिए पढ़ना ही पढ़ना है। पंचायती राज 40 पेज का है, रूरल इकोनॉमी ज़्यादा ज़्यादा 50 पेज की होगी, तो आपको अनुमान है कि 200 पेज मैक्सिमम, अगर 2-3 मटेरियल एक एक फॉलो करते हैं तो 200 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 200 पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 पेज भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तो मैक्सिमम आपका 20 दिन में हो जाएगा। तो एक कम से कम आपको टारगेट रखना है 20 पेज डेली पढ़िए, ठीक है। और ये कीजिए, इसमें आपका मैंने आपको बताई है 15 से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमी पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको कि जो योजना है वो कर लेते हैं अगर करंट अफेयर से बेस्ड, तो आपके 20 में से 20 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपके 15 तो निश्चित हैं क्योंकि ये स्टेटिक पार्ट रहेगा, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कुल मिला के आप देखा जाए अगर मिनिमम मार्क्स भी लेके चलते हैं 10, 27, 27, और यहाँ पे अगर 15 भी ले आते हैं तो ये आराम से 70+ ले आए मिनिमम। मैक्सिमम की बात की जाए तो 90+ आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने, ठीक है। तो ये स्ट्रेटर्जी फॉलो कीजिए, लेकिन रेगुलर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ रहे एक दिन नहीं पढ़ रहे, रेगुलर पढ़ना है अपने को। मटेरियल के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर है 7049-240-399। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और मटेरियल भी मिलता रहे। और अगर आप पटवारी बन जाते हैं
तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी टिप्स आपके लिए काम आई और मैं किसी के काम आया। चलिए, मेरा नाम रोहित खेरा है और मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।